बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। चलें तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली प्याज कटी हुई, प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और 5 मैंने लौंग ली हैं, ये हम ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 1 प्याली टमाटर ऐड करेंगे, इस तरह से लंबे लंबे कटे हुए। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह ऐसे ही कुक करेंगे कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 प्याली मटर ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद हम इसमें 1 प्याली गाजर ऐड कर देंगे, इस तरह से लंबी कटी हुई, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे चावल 1/2 किलो है। अब इसे कवर कर देंगे कि पानी में बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम 1/2 kg चावल ऐड कर देंगे। मैंने चावल को अच्छी तरह से धोकर 10 मिनट के लिए सोक कर लिया था। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 प्याली शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इस तरह से लंबी कटी हुई, और 1 प्याली बंद गोभी ऐड करेंगे। ये हम ऐड में इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये खड़ी खड़ी रहे। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे कि थोड़ा सा पानी हमारा ड्राई हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसके ऊपर हम 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। देखें हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। ये देखें हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं, मजे के बने हैं। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये और बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप लोग भी इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।